good morning seventh class this is the last video of chapter 4 heat in this video we will study the remaining portion of the chapter 4 heat so i'm going to start with the topic sea breeze and land breeze see in your book at page number 42 the people living in the coastal areas experience an interesting phenomena जो लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं उनको वहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना देखने को मिलता है कोस्टल एरिया मींस वो एरिया जहाँ पर एक साइड पर इस तरह से सी होता है और एक साइड पर लैंड होती है उसको कोस्टल एरियाज़ बोलते हैं वहाँ पर लोगों को कन्वेक्शन का एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना देखने को मिलता है तो उस फिनमिनाज के नेम है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो तीन पॉइंट्स बताऊँगी जो आपने अपने माइंड में रखने हैं तभी आपको सी ब्रीज और लैंड ब्रीज समझ आएगा सी द फर्स्ट पॉइंट इज लैंड गेट्स हीटर्ड फास्टर देन वाटर जो लैंड है वो जल्दी गर्म होती है एज कम्पेयर टू वाटर के एंड लैंड्स गेट्स कूल डाउन फास्टर देन वाटर और लैंड उतनी ही जल्दी ठंडी भी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू वाटर तो ये दो पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने आपने कि क्या लैंड जो है जल्दी गर्म होती है किसके कम्पेरिजन में वाटर के और जल्दी ही क्या हो जाती है ठंडी भी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू वाटर एंड हमने कन्वेक्शन के प्रोसेस में पढ़ा था कि जैसी एयर जो है गर्म होती है वो ऊपर की तरफ के उठनी स्टार्ट हो जाती है एंड होट एयर राइजेज अप और उसकी जगह क्या है कूल ब्रीज ले लेती है ठंडी जो हवा होती है वो ले लेती है एंड हॉट एयर क्या है जैसी गर्म होगी एयर वो क्या ऊपर की तरफ उठनी स्टार्ट हो जाती है नाउ फर्स्टली वी डिस्कस सी ब्रीज देखो ड्यूरिंग डे के टाइम क्या होता है हमारे पास सन प्रेजेंट होता है सन की वजह से देखो क्या होगा मैंने आपको क्या बताया था कि जो लैंड है वो जल्दी क्या हो जाती है गर्म होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर तो जो सी में वाटर है वो क्या होगा ठंडा और लैंड में क्या हो जाएगी जल्दी से सन टाइम में हॉट हो जाएगी ड्यूरिंग द डे टाइम सन की प्रेजेंस में जो लैंड है वो जल्दी क्या हो जाएगी गर्म हो जाएगी तो जो लैंड के ऊपर वाली एयर होगी वो भी गर्म हो जाएगी और हॉट एयर क्या करती है ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देती है तो यहाँ से लैंड से जो भी हॉट एयर होगी वो इस तरह से ऊपर को उठनी स्टार्ट हो जाएगी एंड उसकी जगह पे कौन आ जाएगा जो सी के ऊपर ठंडी हवा होगी वो क्या उसकी जगह ले लेगी सी से जो हवा होगी ठंडी हवा वो लैंड की सरफेस के ऊपर चली जाएगी और लैंड से जो गर्म हवा है वो ऊपर आ जाएगी ठीक है इस तरह से फिर क्या होगा ये वाली हवा जब इधर जाएगी तो ये भी गर्म हो जाएगी ये ऊपर उठ जाएगी फिर से और फिर उसके बाद जो ठंडी हवा होगी सी से वो इस तरफ से लैंड के पास आ जाएगी तो तो एयर कहाँ से मूव कर रही है सी की तरफ से लैंड की तरफ मूव कर रही है सी टू लैंड मूव कर रही है इसीलिए इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं सी ब्रीज बोलते हैं क्योंकि जो एयर कहाँ से कहाँ मूव कर रही है सी टू लैंड मूव कर रही है हॉट एयर तो ऊपर चली जा रही है गर्म होके एंड उसकी जगह कौन आ रही है ठंडी हवा कहाँ से सी से इसीलिए इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं सी ब्रीज तो डे के टाइम में कौन सा फिनोमिना होता है सी ब्रीज होता है अंडरलाइन दिस लाइन द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज टू रिसीव द कूलर सी ब्रिज द विंडोज ऑफ द हाउसेज इन द कोस्टल एरियाज़ आर मेड टू फेस द सी तो इस सील कूलर सी ब्रिज को रिसीव करने के लिए जो विंडोज़ हैं जो कोस्टल एरियाज़ में घर होते हैं उनकी विंडोज़ किस तरह से बनी होती हैं जिनका फ़ेस किस तरफ हो सी की तरफ हो ताकि वहाँ से ठंडी हवा जो है वो उनके घरों में पहुँच सके दिन के टाइम नाउ एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स अब नाइट के टाइम क्या एग्जैक्टली इसका रिवर्स हो जाता है क्यों क्योंकि नाइट के टाइम क्या है मून होगा सन नहीं है वहाँ पर कोई हीटिंग सोर्स नहीं है मून है तो मैंने क्या बताया था कि जो लैंड है वो जितनी ज़्यादा जल्दी, जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी क्या है वो ठंडा भी हो जाता है और जो वाटर है वो डे टाइम में धीरे धीरे गर्म हो रहा था इसलिए वो रात तक पूरा गर्म हो जाता है इसलिए वो रात को जल्दी ठंडा नहीं होता है और जो लैंड है वो क्विकली क्या है कूल cool डाउन हो जाती है तो अब लैंड के ऊपर जो मतलब क्या है कूलर एयर है और जो सी वाटर है वहाँ पर कौन सी एयर है हॉटर एयर है तो जो सी है यहाँ पर ये यह सी है और ये लैंड है तो सी के ऊपर जो हॉट एयर होगी वो क्या होगी ऊपर उठ जाएगी जैसे ही वो ऊपर उठेगी तो कूलर एयर जो लैंड से है वो उसकी जगह ले लेगी तो मीन्स यहाँ पर अब एयर कहाँ से कहाँ मूव हो रही है लैंड टू सी की तरफ मूव हो इसलिए इसको क्या बोलते हैं लैंड ब्रीज फिनोमिना बोलते हैं डे टाइम में कहां से कहां मूव करती है एयर फ्रॉम सी टू लैंड इसलिए उसको बोलते हैं सी ब्रीज एंड नाइट टाइम में कहां से कहां मूव करती है लैंड टू सी इसलिए इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज वेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म हाउ डज द हीट फ्राम द सन रीच अस देखो जैसे हम सन में बाहर निकलते हैं अपने घरों से तो हमें सन की हीट जो मिलती है तो ये हमारे तक किस तरह से पहुँचती है बिकॉज ये तो ना ही कंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू पहुँचती है ना ही कन्वेक्शन के कंडक्शन कंडक्शन प्रोसेस क्या था जब एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर होती है हीट जो कि सॉलिड सर्फेसिस में होता है एंड कन्वेक्शन क्या है जब हॉट एयर ऊपर राइज हो जाती है एंड उसकी जगह कौन आ जाती है कूलर एयर या हॉट वाटर राइज होता है उसकी जगह कौन आता है कूलर वाटर तो मतलब वो एक मीडियम में होती है लेकिन जो सन है सन से हमारे अर्थ तक जो है हीट पहुंच रही है हमें हीट मिलती है बट सन से अर्थ तक आने के लिए उसके बीच में क्या है एक स्पेस है जहाँ पर कोई मीडियम नहीं होता स्पेस है ऊपर सन और अर्थ के बीच में और वहाँ पर स्पेस में तो कोई मीडियम ही नहीं होता कोई एयर ही नहीं है वहाँ पर कोई एटमोसफेयर ही है तो वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू सन से हीट हमारे तक पहुंच रही है उस प्रोसेस को बोलते हैं रेडिएशन तो वो रेडिएशन का प्रोसेस है फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन अंडरलाइन दिस लाइन दिस इज अ थर्ड फिनोमिना और वी कैन से इट इज अ थर्ड प्रोसेस बाय विच द हीट इज ट्रांसफर द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एन मीडियम जो ट्रांसफ़र होती है रे, रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू जो हीट उसके लिए उसे मीडियम की जरूरत नहीं होती जैसे कन्वेक्शन और कंडक्शन के लिए मीडियम की ज़रूरत थी वैसे रेडिएशन के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज़ प्रेजेंट और नोट चाहे मीडियम प्रेजेंट हो चाहे नहीं तब भी रेडिएशन जो है पॉसिबल है वेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अर रूम हीटर वी गेट हीट बाई दिस प्रोसेस देखो जब आप रूम हीटर के सामने बैठते हो अपने घरों में सर्दियों में तो आपको हीट मिलती है तो आपने डायरेक्ट हीटर no, को तो नहीं टच किया होता बट फिर भी आपको हीट मिलती है तो वो जो हीट मिलती है आपको वो किसके प्रोसेस के थ्रू होती है वो रेडिएशन प्रोसेस होता है वो रूम हीटर जो अपने अंदर से हीट रेडिएट करता है और वो हमारे तक पहुँचती है सिमिलरली अट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन एज ए ट्रांसफर हीट टू द सराउंडिंग्स बाय रेडिएशन अभी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ा था कि जैसे ही किसी यूटेंसिल को गैस फ्लेम से दूर करते हैं हम नीचे रख लेते हैं तो वो अपने अंदर से हीट जो ट्रांसफर करता है सराउंडिंग को तो वो भी कौन सा प्रोसेस होता है रेडिएशन का प्रोसेस होता है अवर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग एंड रिसीव हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो भी हीट को रेडिएट करती है सराउंडिंग में और सराउंडिंग से हीट रिसीव भी करती है कौन से प्रोसेस के थ्रू रेडिएशन के प्रोसेस के थ्रू ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट जितनी भी हॉट बॉडीज हैं वो सब क्या हीट है हीट रेडिएट करती हैं। और उन्हें कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है मीडियम हो प्रेजेंट हो या ना हो तब भी रेडिएशन का प्रोसेस होता ही होता है जैसे अगर आप कुकिंग कर रहे हो तो गैस फ्लेम पे आपने मतलब अपना यूटेंसिल रखा हुआ है कुकिंग के लिए फिर भी आपको आप ग्लास, गैस गैस फ्लेम को टच नहीं करते बट आपको हीटिंग फील होती है तो वो कौन से प्रोसेस के थ्रू होती है वो रेडिएशन के प्रोसेस के थ्रू होती है क्योंकि वो गैस फ्लेम के अपने अंदर से हीट को रेडिएट कर रही है नाउ वेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट अ पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड अ पार्ट इज ऐब्जॉर्ब एंड अ पार्ट में बी ट्रांसमिटेड जब भी कोई होर बॉडी हीट को रेडिएट करती है तो ये हीट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है तो हो सकता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट कर दे हीट का कुछ पार्ट वो एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर और कुछ इधर उधर ट्रांसमिट भी कर सकता है द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू दब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट Uh, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ क्यों होता है क्योंकि उसने कुछ ना कुछ हीट है एब्जॉर्ब की होती है जैसे आप सन में जाते हो सन की प्रेजेंस में आपकी बॉडी क्या गर्म होनी स्टार्ट हो जाती है क्यों क्योंकि आपकी बॉडी क्या कर रही है हीट को सन की हीट को एब्जॉर्ब करती है सन हीट रेडिएट कर रहे हैं और आप उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं इसलिए आपकी बॉडी का टेम्परेचर के राइज़ कर जाते हैं वाई आर यू एडवाइज टू यूज एन अम्ब्रेला when यू गो आउट इन द सन आपको क्यों एडवाइज किया जाता है कि अम्ब्रेला लो जब आपको सन में निकलना है बाहर धूप में तो क्योंकि अम्ब्रेला क्या करते हैं स्पेशली ब्लैक कलर्ड अम्ब्रेला क्योंकि वो क्या करते हैं अपने अंदर सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सन की हीट को आप तक पहुँचने नहीं देता इसलिए कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो हीट को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेते हैं कुछ रिफ्लेक्ट कर देते हैं और कुछ के ट्रांसमिट कर देते हैं ना नेक्स्ट इज काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर हम किस तरह के कपड़े जो हैं समर और विंटर में पहनना प्रेफर करते हैं आप लोगों ने ये देखा होगा कि समर में हम लोग प्रेफर करते हैं लाइट कलर क्लोथ्स पहनना एंड इन विंटर वी यूजली वेयर डार्क कलर क्लोथ्स ऐसा क्यों इसको समझाने के लिए आपको कुछ एक्टिविटीज दे रखी हैं सी एक्टिविटी 4.10 क्या करना है आपने दो आइडेंटिकल टिन कैनस ले लेने हैं एक का जो आउटर सर्फिस है उसको ब्लैक कलर से पेंट करना है और एक को वाइट कलर से पेंट करना है और उनमें इक्वल अमाउंट का वाटर डाल देना है और उसको मिड डे सन में अबाउट एन आवर के लिए छोड़ देना है धूप में रख देना इट मीन्स मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस फिर उसमें आपने टेम्परेचर नोट करना है दोनों जो वाटर्स हैं डिफरेंट कैंस में उनका टेम्परेचर आपने नोट करना है डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर तो क्या आपको कोई डिफरेंस मीन्स आपने फिर चेक करना है कोई नोट करोगे आप देखो एक को क्या किया आपने ब्लैक कलर से पेंट और एक को किया व्हाइट कलर से पेंट ब्लैक कलर क्या है गुड एब्ज़ॉर्बर होता है हीट का ये हीट को बहुत ज़्यादा ईजिली ट्रैप कर लेता है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है जो भी हीट इसके ऊपर पड़ेगी ये सारी की ही सारी हीट को क्या करेगा एबजॉर्ब करेगा और दूसरी साइड जो वाइट कलर है वो पुअर एब्जॉर्बर है वो सारी हीट को क्या करेगा रिफ्लेक्ट कर देगा वो रिफ्लेक्ट कर देगा और ये क्या कर लेगा एब्जॉर्ब कर लेगा इट मीन्स जब आप टेम्परेचर नोट करोगे इन दोनों कैंस में तो जो ब्लैक वाला कैन होगा इसमें टेम्परेचर ज़्यादा होगा वाटर का और इसमें कम होगा मतलब ये होटर होगा ज्यादा और ये वाला उससे कम होगा नाउ सी द नेक्स्ट एक्टिविटी इस एक्टिविटी में आपने क्या करना है दो कैंस लेने हैं सेम पहले वाले जैसे लिए थे और उनमें सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर फिल कर देना जिनका टेम्परेचर क्या होगा सेम होगा सपोज़ सिक्सटी डिग्री सेल्सियस रख लिया उसके बाद इन कैंस को एक रूम में या किसी शेड में आपने रख देना नोट द दे टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर टेन तो टू तो फिफ्टीन मिनट्स फिर आपने टेम्परेचर नोट करना है टेन टू तो फिफ्टीन तो तो मिनट्स के बाद में और चेक करना है कि क्या जो दोनों कैंस में वाटर है उनका टेम्परेचर सेम अमाउंट में फॉल हुआ या डिफरेंट तो देखो जो ब्लैक कलर है ना वो उतना ही गुड ऑब्ज़ॉर्बर भी है और उतना ही क्या गुड रेडिएटर भी है जब हम हीटिंग का सोर्स हटा देते हैं तो वो उतनी ही तेज़ी से क्या है रेडिएट करता है अपने अंदर से हीट को जितनी जल्दी वो गुड ऑब्ज़ॉर्बर है मतलब एब्जॉर्ब करता है हीट को उतना ही वो अच्छा क्या है रेडिएटर भी है जैसे ही हीट का सोर्स हटाओगे तो वो सारी हीट अपने अंदर से क्या है फास्टली रेडिएट कर देता है एंड जो वाइट कलर है ये पुअर रेडिएटर भी है और पुअर ऑब्ज़ॉर्बर भी है तो इट मीन्स जब आप सोर्स ऑफ हीट हटा देते हो इसको एक रूम में रख रहे हो इन दोनों कैंस को तो जो वाटर है वो ब्लैक कलर के कंटेनर में फास्टली कूल डाउन हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द वाइट वन ये जो दो एक्टिविटीज़ हैं इनसे हमें क्या पता चला uh, हमें रीज़न मिल गया कि हम क्यों व्हाइट कलर जो क्लोथ्स हैं वो समर में पहनना पसंद करते हैं और जो विंटर में हैं हम डार्क कलर के क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं बिकॉज जो डार्क सर्फेसिज हैं वो क्या करते हैं एबजॉर्ब मोर हीट एंड देर फॉर वी फील कम्फर्टेबल विद डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन द विंटर तो जो डार्क कलर के जो क्लोथ्स होते हैं वो क्या करते हैं हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और विंटर में हम प्रेफ़र करते हैं सन में बैठना तो सन में वो हीट को ज़्यादा अब्जॉर्व करेंगे डार्क कलर क्लोथ्स तो हमें अच्छा लगेगा इसीलिए हम जो डार्क कलर क्लोथ्स पहनते हैं विंटर में एंड लाइट कलर क्लोथ्स क्या करते हैं वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन दैम लाइट कलर क्लोथ्स क्या अपने ऊपर से हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं इसलिए अगर आप समर में बाहर भी जा रहे हो वर्किंग के लिए तो अगर आपने लाइट कलर के क्लोथ्स डाले हैं तो वो क्या करेगा ज़्यादा से ज़्यादा हीट को रिफ्लेक्ट करेगा तो जिसकी वजह से आपको कम्फर्टेबल फील कर रहेगा इसीलिए हम प्रेफर करते हैं लाइट कलर्ड क्लोथ्स पहनना इन द समर ना वुलन क्लोथ्स की पास वार्मर इन विंटर हम लोग वुलन क्लोथ्स भी पहनते हैं विंटर में जो कि हमें गर्म रखते हैं इन द विंटर वो यूज वुलन क्लोथ्स बिकॉज जो वुलन है वो वूल है जो वो पोअर कंडक्टर होती है हीट की मीन्स अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देती मोर ओवर देर इज़ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स जो वूल फाइबर्स होते हैं उनके अंदर क्या है एयर जो है ट्रैप हो जाती है और ये जो एयर है वो हमारी जो बॉडी की हीट है उसे बाहर नहीं जाने देती सराउंडिंग में जाने नहीं देती दिस एयर प्रिवेंट्स द हीट ऑफ हीट फ्रॉम आर बॉडी टू द सराउंडिंग सो वी फील वार्म तो जो हमारी अपनी बॉडी की हीट होती है जब हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं तो उसके अंदर जो एयर होती है फाइबर्स के बीच में एयर ट्रैप हो जाती है और वो एयर हमारी अपनी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देती जिसकी वजह से वो हीटिंग हमारे अंदर ही रहती है बॉडी में और हमें बॉडी के तो हमें वो बॉडी को क्या करती है गर्म फील होती है हमें वार्म फील होता है इसलिए जो विंटर्स में वुलन क्लोथ्स पहने जाते हैं नाउ सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैकेट्स ज्वाइन टूगेदर वट वुड यू चूज एंड वाई देखो अगर आपको सपोज कर लो ऑप्शन देते हैं कि या तो एक थिक ब्लैंकेट ले लो विंटर में या फिर टू थिन ब्लैंकेट्स तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे तो आप टू थिन ब्लैंकेट्स वाला चूज़ करोगे वाई बिकॉज एयर क्या करती है हमने अभी पढ़ा है उन उनके अंदर क्या कर जाएगी एयर ट्रैप हो जाएगी जिसकी वजह से जो भी हीटिंग होगी वो बाहर नहीं निकलेगी जिसकी वजह से आपको ज्यादा वार्म फील होगा एज कम्पेयर टू थिक ब्लैंकेट जो टू थिन ब्लैंकेट्स होंगे उनके अंदर एक लेयर बन जाएगी लेयर में क्या होगी एयर ट्रैप हो जाएगी जिसकी वजह से वहां से एयर जो है वो हमारे अंदर की जो हीट है उसे बाहर नहीं जाने देगी तो आपको ज्यादा वार्मर फील होगा एज़ कम्पेयर टू थिक ब्लैंकेट बिकॉज थिक ब्लैंकेट में कोई लेयर नहीं बनेगी तो वो जो एयर है वहाँ पर कोई एयर नहीं होगी ट्रैप जिसकी वजह से जो हीट है वो बाहर निकलती जाएगी सराउंडिंग में तो आपको ठंड लगेगी इसलिए जो है कहते कि थिक ब्लैंकेट हो जाए एक या टू थिन ब्लैंकेट्स तो क्या चूज करोगे आप तो आप प्रेफर करोगे कि टू थिन ब्लैंकेट्स बिकॉज उसकी वजह से आपको ज़्यादा वार्म फील होगा एज कम्पेयर टू थिक ब्लैकेट ब्लैंकेट सो विद दिस योर चैप्टर फोर इज़ कम्प्लीटेड